education or the schools or the preschools. So we have launched a product name as Squaddle.com, which will going to digitize the entire system of the school, which will give you entire digital frontier. So a particular school, preschool and institute get completely digitized with the help of Squaddle.com. This will going to uplift the development of the student and the career. मुझे इस स्कॉलरशिप के बारे में अभी अभी पता चला है इसलिए और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है. इतने सारे एनजीओस फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया हैव कम टुगेदर और जैसा कि मैंने अभी स्टेज पे भी कहा कि हम टीवी सीरियल में काम करते हैं, एक्टर हैं, हीरो बन जाते हैं, बट असली हीरो ये लोग होते हैं जो एनजीओ में काम कर रहे हैं. मैं खुद एक एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है YGPT, कॉल्ड यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो इन छोटे छोटे इनिशिएटिव से ही देश बदलता है, लोग बदलते हैं, समाज बदलता है. आई गेस इट्स अ वेरी वेरी इनोवेटिव चीज़ है लोगों के लिए और ऐसा होते रहना चाहिए हमेशा. पहले तो मैं एक सारा ट्रस्ट को नमस्ते करती हूँ और उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि हमको उसी वक्त समझे हमको यहाँ बुलाए और मैं समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए ज़्यादा कितना जरूरी है कि इस तरह के फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहिए. इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छी पहल है क्योंकि सरकार अपना काम करती है लेकिन सरकार के साथ साथ जब सामाजिक तौर पर समाज भी आगे आता है, लोग आगे आते हैं तो गति और अधिक होती है. आप कह सकते हैं एक और इंडिया. बेसिकली एक तरह फाउंडेशन जो फिलहाल आज कार्यक्रम रखी है ये काफ़ी प्रशंसक है बिकॉज इसमें कैसा है काफ़ी लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे तरह और सोशली इन्वॉल्व है और NGOs हैं वो सारे एक अंडर वन रूफ आके यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबको सम्मानित किया जा रहा है और सबको सुना जा रहा है. सब अपनी राय विमर्श, चाहे वो युवा हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे किसी भी श्रेणी के लिए हो, वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं. हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने बात करी सोचा कि हम लोग 100 NGOs को एक छत के नीचे ला करके और उनसे वो NGOs क्या क्या काम करते, क्या होता है कि दूसरे से सारे NGOs वाले नहीं मिलते हैं, हमको पता नहीं चलता कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग सारे NGOs को एक साथ बुलाएंगे और उनको पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि क्या होता है कि ये छोटे छोटे NGOs भी लोग बनाते हैं बट हर किसी को उनके बारे में पता नहीं होता है. लोग जान नहीं पाते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं, कैसे उनको फंड मिल रहा है या मिल रहा है नहीं मिल रहा है. उन सब के लिए हम लोगों ने एक छत के नीचे सारे NGOs वालों को बुला करके और ये बस अभिनंदन और सराहनी के पास एक दफ़ा फंक्शन और ये जो कार्य हो रहा है इसी प्रकार से देश के गरीब वर्ग के जो अनएजुकेटेड वाले जो लोग हैं उनको ऐसी संस्थाओं में जाके अपने प्रगति का बड़ा उपयोगिता का लाभ मिलता है और सम्मान मिलता है. अजय जी आप क्या कहना चाहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जिस तरह से आप महिलाओं. बस अभिनंदन और सराहनी के पास एक दफ़ा फंक्शन और ये जो कार्य हो रहा है इसी प्रकार से देश के गरीब वर्ग के जो अनएजुकेटेड वाले जो लोग हैं उनको ऐसी संस्थाओं में जाके अपने प्रगति का बड़ा उपयोगिता का लाभ मिलता है और सम्मान इनिशिएट करते हैं. तो मैं एक धारा फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस कार्यक्रम में जिसमें उन्होंने 100 NGOs को फेलिसिटेट किया. इसमें क्या होता है कि अगर ऐसे लोगों को अगर सम्मान किया जाए तो उनकी प्रेरणा और बढ़ती है, लोगों को साथ आता है काम करने का. तो बहुत ही अच्छा सुंदर कार्यक्रम रहा और सभी फाउंडेशन ने आज जो यूनिटी दिखाई है लोगों के अंदर लाने की वो सबसे बड़ी बात है. 100 NGOs को जोड़ना इज नॉट इजी. सो जो एक तारा फाउंडेशन ने किया पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक. About me, I tell you that I'm Govinder Sharma, International Youth Society across the world. हमारे NGOs है और मैं उसका नेशनल डायरेक्टर हूँ. इसके अलावा I'm a person जिसने इंडिया को लीड किया है सेकेंड साउथ एशियन यूथ समिट में. यूथ के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हमने क्रिएट किया है. जन सेवा समिति में उसका स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट हूँ और रोटी क्लब मेम्बर्स हूँ. तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूथ जिनकी जो जो प्रॉब्लम्स है वो मुझसे कम्युनिकेट करें. हमारे ब्रदर जो है स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं, पॉवर्टी को हम लोग डिफेंड करते हैं, मेडिकल की किसी को असिस्टेंट चाहिए, वे आर देयर बट ओनली वी वांट द पीपल जो इंटेग्रिटी के साथ आए. इट शुड नॉट बी द फेक प्रोफाइल. वी आर देयर टू हेल्प देम. उनको जिस लेवल पे चाहिए बहुत जल्दी आप मुझे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में देंगे. सो आई वांट कि इस तरह से आप लोग इसी तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे, इसी तरह से जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाए और सभी को इक्वल नज़र से देखा जाए.
मेरा मुश्ताक अंसारी है, माई रेसिडेंट, मैं मुंबई का हूँ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ। और हमारे जो रोड्स हैं मुंबई के रोड्स, हमने काफ़ी देखे सड़क हमारे, कभी आज तक का एक परफेक्ट सड़क नहीं हुई। जैसे कि बोलते हर मानसून में बारिश में खड्डे आते हैं और हमेशा वही हर साल वो होता है, बारिश में खड्डे आने के बाद ट्रैफिक जाम होता है, लोगों की डेथ होती है, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, गाड़ियाँ डैमेज होती है। तो उसके ऊपर हमने कैंपिंग स्टार्ट किया था 8 अप्रैल 2018 में, मैं और मेरा फ्रेंड इरफान मच्छी वाला, हमने कैंपिंग स्टार्ट किया। हम खुद जाकर जितने भी पोर्टल दिखते थे रोड के ऊपर, हम खुद अपने हाथों से आके भरते थे उसको डेब्रिज से। हमारे पास मटेरियल नहीं था, हमें डेब्रिज मिलता था हाईवे के पास, हम उस पर ईंटा पत्थर लेके, हम हैमर्स लेके उस पर ठोक के उसको जो भी गड्ढा रहता था गहराई उसकी कम करते, ताकि जो भी आने जाने वाले लोग के लिए आसान हो जाए, वहाँ पे से आराम से गुजरे, वहाँ पे कोई हादसा ना हो। इसी तरह हमने 383 पोर्टल्स हमने फिलअप किया है और हम चाह रहे हैं कि काफ़ी सारे मुंबईकर्स भी हमारे साथ जुड़कर सड़क पर उतर के खुद से पोर्टल भरेंगे, क्योंकि खुद से भरेंगे तो जितने भी पोर्टल होने की समस्या वो दूर हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं ये हमारा काम नहीं है, भीम से काम है या गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम तो है ये, पर इसमें हमें इमीडिएट एक रिलीफ दे, फर्स्ट एड फॉर द पोर्टल, एक रेस्क्यू है, मतलब जैसे कि जो डर है गिरने का वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ आप बीएमसी को कंप्लेंट भी दो, क्या यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पे आप फिलअप करो, वो भी फिलअप करेंगे, पर उसके बीच में जो गैप आता है कंप्लेंट देने के और आपके देखने के बीच में जो गैप आता है वो हम फिलअप करते हैं, तो ये भरने के लिए टाइम लगता है, इमीडिएट तो भरेगा पहले क्या होगा। पहला तो हम 60 साल के जो सीनियर सिटीजन है, जो बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं, तो जो रोड पे जैसे 60 साल के जो सीनियर सिटीजन जो पड़े हुए उनको खाना का खाना पहुँचाते हैं। इससे दूसरी सेकेंड जो प्रोजेक्ट प्रदेशन मनुष्य का जो चल रहा है, जो महिलाएं जो हाउस पैक होने के बाद एक जो लेडी जो होती है वो बच्चा और घर के संसार में बिजी रहते हैं और घर में कुछ कामकाज कुछ करती नहीं, तो प्रतीक्षा फाउंडेशन यही गरीब उस महिलाओं को डोर टू डोर जाके घर में एक बिजनेस दे। नाम भी जैसे एक तारा है स्टार, और मुझे लगता है कि इनसे बड़ा कोई स्टार नहीं होता जो समाज सेवा करता है। आजकल तो आपको पता है सोशल वर्क किया जा रहा ओनली फॉर सोशल नेटवर्क, फोटो निकालते हैं और फोटो डाल देते हैं, लेकिन ये लोग सच्चे हैं, गांव-गांव जाके छोटे छोटे जगह पर जाके रक्तदान करना हो, शिविर करना हो, किसी के लिए कुछ बचाना हो, कोई हर तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह फाउंडेशन को और उससे जुड़े हुए तमाम फाउंडेशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जहाँ पर आज के ज़माने में काफ़ी सारे फ्रॉड एनजीओ चल रहे हैं, ट्रस्ट के नाम पे उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, ट्रस्ट नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को मैं एक तरह फाउंडेशन और ऐसे सभी ईमानदार ट्रस्ट के साथ में मैं खुद भी जुड़ना चाहूँगा और आप सब भी जुड़िए, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप में मुझे रानू मंडल फील कर रहा हूँ अपने आप में। मेरा नाम बताऊंगा, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और मेरे ट्रस्ट का नाम रामराज शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है। रामराज वर्ड जो है वो मेरे मम्मी और पापा के इनिशियल नाम पर रखा गया हुआ है, एंड दिस इज 6 years old ट्रस्ट। वी वर्क अंडर एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए कॉज करते हैं हम लोग, ट्री प्लांटेशन व एनवायरमेंट के थ्रू काफ़ी काम करते हैं, और एजुकेशन टू ऑल नाम की एक अभियान चला है हमने, जिसमें अब तक हम लोगों ने 1000 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन को सपोर्ट किया हुआ है। हम लोगों ने करीब करीब 40 ऑपरेशन करवाए हैं अपने फंड रेजिंग द्वारा। मेरा नाम राजश्री होल्डर है, मेरे एनजीओ का नाम उद्गम फाउंडेशन है। मैं बेसिकली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए काम कर रही हूँ और यंग गर्ल्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो सफ़र करती है लड़कियाँ या रेप पीड़ित है, और मैं ये चाहती हूँ कि इन लड़कियों को समाज में कुछ नाम मिले, कुछ काम मिले, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कोई पूछता नहीं है, उनको बस बेसहारा छोड़ देते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सारे दूसरे भी जो एनजीओस काम कर रहे हैं वो साथ आए और कुछ इन लड़कियों के लिए या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे आएंगे तो उनके सामने मैं बात रखूँ। आप मेरे को ट्रॉफी दे, शाल दे या नहीं दे, लेकिन ये मैं बात रखूँ उनके सामने, जो कि ये जो
काम है वो आगे सरकार के माध्यम से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। किसी भी अकेले आदमी या एनजीओ के लिए ये करना थोड़ा सा कठिन है, तो सबके साथ से होगा। तो आरके फाउंडेशन किस क्षेत्र में काम कर रहा है, जनता की नीति और बात करें? ये जो है ये डेडिकेटेडली सिर्फ एंड सिर्फ अंगदान देकर ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट उसके विषय में काम कर रहा है, ओनली फॉर दिस सोल पर्पस। मतलब ये है कि जो लोग ऑर्गन नहीं मिलने की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है वेटिंग लिस्ट में या विदाउट वेटिंग लिस्ट, ऐसे लोगों का ये प्रतिनिधि होता है। इसके लिए पूरा नाम रखा जाता है, समझे कोई एक व्यक्ति है जो ऐसे जो मृत्यु हुए उनके प्रतिनिधि करता है। और ये जब तक ये जो बहुत बड़ा गैप जैसा मैंने अभी फिगर बताई है, ये इतना बड़ा गैप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक किसी को भी प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, और ये मिशन वास्तव में तो ये जो गैप है ये गैप एक साल के अंदर कम करने का संकल्प बंद करके जीरो पे लाने का संकल्प करके मैंने ये काम किया। ये एक तरह फाउंडेशन ने जो एक इनिशिएटिव लिया है जो एनजीओस को फैसिलिटेट करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से इन लोगों ने एनजीओस को बुलाया था, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया और उनको अवार्ड से नवाजा। काफ़ी ऐसे एनजीओस से जो एक अलग ही यूनिक काम करते हैं जिनको अभी तक कोई रिकग्नाइज नहीं मिलता था। विक्रम जी ने और शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये इनिशिएटिव लिया और इन लोगों को यहाँ पे बुला के फैसिलिटेट किया। इन्होंने जो एक एनजीओ वाले ने जो किया आज के समय पर जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा इसमें कि सब एनजीओ वाले पूरा इंडिया में इतने भी हैं सबको बुला कर इन्होंने एक हिसाब से नवी पहल की हुई है, एक दूसरे के पहचान के हिसाब से ही है। उसमें से एक मैं भी हूँ कि मेरा एक एनजीओ है वो मैं समाज सेवा के उसमें अपने यहाँ पर खाना खिला रहा हूँ गरीबों को, वो बच्चे के हिसाब से पढ़ाई करा रहा हूँ अनाथ बच्चे के हिसाब से। ये सबसे मैं को मेरा ये है एक सवाल है मेरा, वो मुझे सवाल का उनको जवाब देना है पीएम को, जो कि आज के ज़माने बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर अनाथ को आश्रम में छोड़ने जा रहे, तो मुझे उससे यही बोलना है कि वो आश्रम बंद किया जाए, वो माँ बाप को क्यों वहाँ पे छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो माँ बाप अपने बच्चे को खड़ा किया, नाम दिया, पैसा सब कुछ कमाने दिया, सब कुछ हुआ, आज वो बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को घर से निकाल कर आश्रम में जा रहे, उनका पैसा सब कुछ है, आज आश्रम में वो 25,000 रुपया 30,000 50,000 रुपया दे रहे हैं, आज उनको बोल रहे कि मैं माँ बाप को मुझे बुलाना मत, हमको हम उससे माँ बाप को देना देना नहीं है, जो क्यों है? इससे अच्छा माँ बाप को अपने बच्चे को घर से निकालना चाहिए, वो ऐसा कानून ऐसा रूल आना चाहिए कि ऐसा आश्रम बने नहीं, वो बने वो बच्चों के हिसाब से माँ बाप के हिसाब से नहीं होना चाहिए।